dear students, I am Anuragiri, your computer teacher. Students, in this class we are going to discuss about PowerPoint. अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं. आज हम PowerPoint के बारे में बात करने जा रहे हैं. PowerPoint important क्यों है? अगर ये बात clear हो जाए तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस पे वर्क करेंगे. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पावर पॉइंट जरूरी क्यों और पावर पॉइंट पे वर्क हम कैसे करते हैं. तो स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट को हम एक नाम से बोला जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेशन. अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपको जानते हैं. अब इसको बताने का जो रीजन है वो ये है कि आई थिंक आज पावर पॉइंट का लास्ट वीडियो होगा जो क्लास 7 के बच्चों को हम अवेलेबल करवाएंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम पावर पॉइंट के कुछ स्लाइड्स और कुछ उसके वर्क कैसे किए जाते हैं, उसके वर्क कैसे करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के बाद करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पावर पॉइंट के जो एनिमेशन होते हैं, जो टैब होते हैं, वो कौन से हैं? पहले होम टैब कौन सा है? होम टैब हमको कहाँ पे मिलता है स्टूडेंट्स? हमको रिबन में मिलता है. कहाँ पे मिलता है? रिबन एरिया में मिलता है. और रिबन एरिया में हमको जो टैब मिलता है उसमें जो हमको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है स्लाइड का. किसका मिलता है? स्लाइड का मिलता है. अब स्लाइड क्या होती है? स्लाइड जब हमारा कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने का टाइम आता है या हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले कौन सी स्लाइड, सबसे पहले क्या ओपन होती है? स्लाइड ओपन होती है. और जब तक आप स्लाइड को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप वर्क नहीं कर पाएंगे. तो स्लाइड हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लाइड ऑप्शन पे जाते हैं. और स्लाइड ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमको वेरियस टाइप की स्लाइड ओपन हो जाती है. वेरियस टाइप की स्लाइड ओपन हो जाती है और इस स्लाइड पे हम क्या करते हैं, वर्क करना शुरू करते हैं. अब यहां पे आप क्या करते हैं, जो आपको डिजर्व करती है वो स्लाइड आपने सेलेक्ट की है. और जब आप स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं तब आप जो ऑप्शन देखेंगे वो कहां पे शो होगा? स्लाइड ऑप्शन पे शो होगा. अब जो स्लाइड ऑप्शन में शो हो रहा है वो आपको यहां भी शो हो रहा है. अब आप क्या करेंगे, यहां पे आप डेटा को एंटर करेंगे. आपका डेटा एंटर होगा. जब आपका डेटा एंटर हो जाएगा तो आप यहां क्या करते हो, उसको इंट्रोड्यूस करते हो. फिर आपको इस टाइप की स्लाइड लेते हैं. अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां तो यहां से स्लाइड बनाना शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस पे वर्क करना शुरू करते हैं. तो हमने क्या किया, इस स्लाइड को सेलेक्ट कर लिया. अब यहां पे मैंने क्या किया, एक तरफ हम फैसिलिटी लिखते हैं, एक तरफ फीचर्स लिखते हैं, हम अपने स्कूल में बना रहे हैं. दूसरी स्लाइड हमने क्या लिया कि हमारे स्कूल में जो ऑडिटोरियम है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल की पिक हमने यहां पे अपलोड कर दी, कि जो उसकी एक इमेज है यहां पे अपलोड कर दी. और अब जब ध्यान दीजिएगा, जब हम इमेज को अपलोड करते हैं, अब यहां ध्यान दीजिए कितनी स्लाइड होगी, 1 2 3 थ्री स्लाइड्स यहां पे अवेलेबल है. कितनी स्लाइड अवेलेबल है? 3 स्लाइड यहां पे अवेलेबल है. 3 स्लाइड अवेलेबल होने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा स्टेप होगा वो हमारा कौन सा होगा, सैप्स का होगा. हम क्या करेंगे, सैप्स को सेलेक्ट करेंगे, आकार को सेलेक्ट करेंगे. अब यहां पे जिस सैप्स में आप इसको सेलेक्ट करेंगे उस सैप्स में हो जाएगा. अब उसके बाद जिस सेल्स में आप इसको सेलेक्ट करेंगे उस सेल्स में, जिस सेल्स में आप इसको सेलेक्ट करेंगे उस सेल्स में सेलेक्ट हो जाएगा. फिर दूसरा वर्ग जो हमने
थीम को सेलेक्ट कर सकते हो। थीम को आप सेलेक्ट करेंगे, थीम को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जिस थीम को आप सेलेक्ट करेंगे यहां पे आप थीम ऑप्शन पे देखेंगे कि आपको वेरियस टाइप की थीम्स मिलेंगी, जो कुछ थोड़ी बहुत कलरफुल होगी, जिसमें कुछ व्यूज डिफरेंट व्यूज होंगे। उस स्लाइड को सेलेक्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, थीम को सेलेक्ट करेंगे, थीम को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, कलर को सेलेक्ट करेंगे। यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड कलर थीम, उसके बाद एनिमेशन, उसके बाद इफेक्ट, इतने ऑप्शन आपको एक स्लाइड में सेलेक्ट करने। तो हम लोग अभी कलर्स समझ चुके हैं, थीम्स समझ चुके हैं, उसके बाद हम एनिमेशन को सेलेक्ट करते हैं। अब जब हम एनिमेशन ऑप्शन पे जाते हैं तो एनिमेशन में हम देखते हैं कि कहीं कहीं थोड़ा सा हम अगर विजुअली देखना चाहें, एक एज्यूम करें, कल्पना करें, तो आपको याद होगा कि हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे कोई मूवी होती है या कोई नेम होता है, तो जब नेम बिगिन शुरू होता है, जब उसको हम इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, मतलब जो सीरियल होता है या जो मूवी होती है वो उसकी इंट्रोडक्शन या डायरेक्टर का नेम देता है, तो कहीं कहीं हम देखते हैं फायर नेम को बोली मानता है, कहीं कहीं हम देखते हैं वाटर बॉडी में चलता है, कहीं कहीं हम देखते हैं फॉरेस्ट बॉडी में चलता है, मतलब कहीं हम देखते हैं वो गार्डन में रहता है, तो वो क्या है, वो स्लाइड है, वो एनिमेशन है। एनिमेशन को आप सेलेक्ट करिए, ग्राउंड को सेलेक्ट करिए, और आप कर सकते हैं दूसरी चीज जो हम देखते हैं इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट में आपने सुना भी होगा एक 3D होता है, 2D होता है, पहला कौन सा होता है, एक 3D होता है और दूसरा कौन सा होता है, 2D होता है। तो हम आप तो 3D या पेंटिंग सुने होंगे, 3D पेंटिंग भी आपने सुना होगा, तो वहां से तो आपको और आसान हो सकता है कि आसानी हो सकती है इसको समझने में कि 3D पेंटिंग में क्या होता है कि वो थोड़ा और इफेक्टिव हो जाता है और उसकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ा और ज्यादा हो जाती है। वर्ड आर्ट को आप क्या करते हैं, पहले मैटर को